हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तमिल इंडस्ट्री के 5 साल 2022 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों के बारे में बात करेंगे। वैसे हमने ऐसी सेम वीडियो तेलुगु इंडस्ट्री पर भी बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना और कभी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नंबर 5 पर फिल्म है डॉन। व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम सर। डॉन फिल्म रिलीज हुई थी 13 मई 2022 को। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर हमें लीड रोल में नजर आए थे शिवा कार्तिकेय और प्रियंका मोहन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सीबी चक्रवर्ती ने। इस फिल्म का बजट था 25 से 30 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 77 करोड़ 86 लाख का। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 114 करोड़ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। नंबर 4 पर फिल्म है वलीमाई। वलीमाई फिल्म रिलीज हुई थी 24 फरवरी 2022 को। ये एक एक्शन थ्रिलर क्राइम ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म के अंदर हमें लीड रोल में नजर आए थे अजीत कुमार, हुमा कुरैशी, बानी और कार्तिकेय गोमाकोंडा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एच विनोद ने। इस फिल्म का बजट था 150 करोड़ और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 106 करोड़ 1 लाख का। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 165 करोड़ 5 लाख और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 3 पर फिल्म है बीस्ट। He's a fucking beast. Cause I'm not a politician. I'm a soldier. बीस्ट फिल्म रिलीज हुई थी 13 अप्रैल 2022 को। ये एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर हमें लीड रोल में नजर आए थे थालापति विजय और पूजा हेगड़े। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नेल्सन दिलीप कुमार ने। इस फिल्म का बजट था 150 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 120 करोड़ 25 लाख का। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 216 करोड़ 58 लाख और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। नंबर 2 पर फिल्म है विक्रम। நேரத்துல வீரங்கள் அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா? தப்பாத்துக்கலாம். विक्रम फिल्म रिलीज हुई थी 3 जून 2022 को। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर हमें लीड रोल में नजर आए थे कमल हसन, विजय सेतुपति और फहद फासिल। इस फिल्म में सूर्या कैमियो रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था लोकेश कनगराज ने। विक्रम फिल्म का बजट 120 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में था। इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 247 करोड़ 32 लाख का और इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 414 करोड़ 43 लाख और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। विक्रम 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 तमिल इंडस्ट्री में 2022 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म है पुनियन सिल्वन पार्ट 1। கள்ளு பாட்டும் ரத்தமும் போர்க்களமும் எல்லாமே அதை மறக்கத்தான் அவளை மறக்கத்தான் என்னை மறக்கத்தான் पुनियन सिल्वन फिल्म रिलीज हुई थी 30 सितंबर 2022 को। ये एक फैंटेसी हिस्टोरिकल फैमिली एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में हमें लीड रोल में नजर आए थे विक्रम, जयम रवि, कार्ती, ऐश्वर्या राय बच्चन और त्रिशा कृष्णन। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मनी रत्नम ने। इस फिल्म का बजट था 250 करोड़ और इस फिल्म ने इंडिया में नेट कलेक्शन किया था 266 करोड़ 70 लाख का। इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 482 करोड़ 70 लाख और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर देना। और कभी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।